जी आर लाइव फाजिलका लेकर आया आपके लिए। सैन जयंती पर 18 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश की मांग की गई है सैन समाज के द्वारा। सभी सैन सपूतों को हमारा कोटि कोटि नमन। मित्रों, सैन समाज ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवी नहीं है, इसमें बहुत शिक्षित लोग हैं, बहुत अच्छे औहदों पर हैं, किंतु इस समाज की अनदेखी क्यों है? देखने में आया है कि इस समाज के लोग अपने समाज के लोगों से लगाव की वजह ईर्ष्या करते हैं। ऐसा क्यों है? लगभग 2003 से हम समाज सेवा में जो भी कर सके और आज भी प्रयासरत हैं, लेकिन हमने यही देखा कि इसमें एक दूसरा भाई एक दूसरे के साथ नहीं चलना चाहता, वह औरों की गुलामी करना मंजूर समझता है, लेकिन अपने भाई के साथ किसी भी काम पर कंधे से कंधा लगाकर चलना नहीं चाहता। यही कारण है कि और अन्य जो समाज हैं वो बहुत सक्षम है इस समय, आज सरकार में भी उनकी अच्छी भागीदारी है, राजनीति में उनके अच्छे पद हैं, लेकिन इस समाज का जो स्तर है, जो लेवल है, वो कम है। अभी हमने सैन जयंती के लिए राष्ट्रीय अवकाश की मांग की, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि से कम भी नहीं तो 3 दर्जन सामाजिक संस्थाएं जो समाज की हैं, जो सैन समाज की हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया कि महावीर जयंती की तरह, विश्वकर्मा जयंती की तरह, वाल्मीकि जयंती की तरह सैन जयंती पर भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, जो आगामी 2023 में 17 अप्रैल को आ रहा है। तो इसका राष्ट्रीय अवकाश महामहिम राष्ट्रपति महोदय घोषित करेंगे तो अवश्य ही, लेकिन अब वही बात है कि इसमें डिवाइड एंड रूल, कुछ तथाकथित नेता आपस में बांटते हैं, काटते हैं और राजनीति करते हैं। जी आर लाइव फाजिलका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को फुल देखें और शेयर करें विद योर कमेंट। 9877272116 फेसबुक पर जी आर लाइव फाजिलका ग्रुप ज्वाइन करो और करवाओ।